कल कितना हुआ था अपना? एसटीआर लेन, एसटीआर कॉपी, एसटीआर कैट, एसटीआर सीएमपी। ओके, एसटीआर लेंथ में हम लोग लेंथ निकालते हैं। एसटीआर कॉपी में एक का डेटा दूसरे में कॉपी होता है। एसटीआर कैट में दो स्ट्रिंग को अपेंड करता है। ओके, एंड एसटीआर कंपेयर में जस्ट कंपेयर करेगा दोनों इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं है जो डिफरेंस रहेगा उसका वो नंबर आता है। जैसे यहाँ पे देख लो एक बार, एसटीआर लेंथ है यहाँ पे, तो जो भी हेलो राज यहाँ पे है तो इसका लेंथ कितना होगा? 1 2 3 4, जो भी इसका लेंथ होगा वो लेंथ रिटर्न करेगा यहाँ पे। ठीक है, एसटीआर कॉपी क्या किया था? जो भी आपका नेम है, नेम का डेटा नेम वन में ट्रांसफर होगा, ऐसे होता है। ठीक है, और एसटीआर कैट में क्या हुआ था? नेम टू यहाँ पे वेलकम है, तो वेलकम में नेम का डेटा क्या है? हेलो राज, तो वेलकम हेलो राज ये ऐड हुआ था। ठीक है, तो ये तो आपका प्रीवियस डिवाइस वाला। एक बार ये देख लेते हैं ये क्या करता है। जैसे एग्जांपल लो, ये पेज है, ठीक है, मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ किया और इसमें फाइंड कर रहा हूँ मान लो ये फ्यू फंक्शंस। तो फंक्शन इसमें है तो उसने कलर कर दिया, देखो। ठीक है, मैंने कुछ और टाइप किया, आकाश, आकाश इसमें नहीं है, आकाश यहाँ पे नहीं है। ठीक है, फाइंड किया तो मुझे एरर दिया, कांट फाइंड द टेक्स्ट, मतलब इसमें वो टेक्स्ट है नहीं। तो सिंपली जो डेटा आप टाइप कर रहे हो यहाँ पे वो डेटा वो इसमें फाइंड कर रहा है, तो फाइंड करने के पीछे कुछ तो लॉजिक होगा इसका। सिमिलरली ये दोनों काम आपका करता है। अगर आपका सिंगल करेक्टर है तब वो बताएगा कि इसमें है, वहां से डेटा रिटर्न करेगा। और एसटीआर, एसटीआर क्या करता है? ये मल्टीपल टेक्स्ट फाइंड करता है, मतलब एसटीआर करेक्टर, इसे मान लो मैंने यहाँ खाली ए पास किया तो वो इसमें ए है कहीं नहीं, वो फाइंड करेगा। अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर रहेगा उसके लिए फिर एसटीआर यूज करोगे। ओके, सो एक काम करो, मतलब ये दोनों जो स्ट्रिंग है ये खाली फाइंड का काम करता है। तो काम करो, एक सिंपल सा कोड बनाते हैं। और इसके बाद मैं फाइल का एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है भी है, थोड़ा मजा आएगा आपको। तो काम करो, यहाँ पे इंक्लूड studio.io.h, ये तो कॉमन लाइब्रेरी है जो डालना पड़ता है। ओके, स्ट्रिंग के लिए एक और ऐड करोगे, इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। ओके, जैसे मान लो एक एरे आपके पास है जो भी डेटा है। ओके, और इसके अंदर है मान लो वेलकम इन दी बर्गस्ट ऑफ ईयर, ऐसे है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे फाइंड करना है इसके अंदर इन करके टेक्स्ट है कि नहीं। मान लो इन करके टेक्स्ट है कि नहीं, वो फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा कैरेक्टर सर्च, जो सर्च का डेट सर्च है उसके अंदर नाम क्या है मेरा? इन है। ओके, अगर इन मिलेगा तो वो जहां से इन है वहां से डेटा रिटर्न कर देगा, मतलब इसका ये मालूम पड़ेगा कि हाँ इसको इस पोजिशन में डेटा मिला है। तो एक काम करो, हाँ ये आपका रिटर्न किस में करेगा, यहाँ पे देख लो, कैरेक्टर स्टार मतलब ये स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में आएगा कैरेक्टर स्टार, मतलब वो स्ट्रिंग में आएगा, मतलब जो वेरिएबल बनाओगे कैरेक्टर स्टार फाइंड ऐसे बनाओगे, नाम कुछ भी दो बट यहाँ पे पॉइंटर आएगा एसटीआर एसटीआर। अभी मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, सेकेंड वाला एसटीआर एसटीआर। इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर मान लो ये आपका डेटा है कॉमा, ये आपका सर्च है। ओके, इसको प्रिंट करो, प्रिंट एफ। हाँ एक बात और, जो डेटा फाइंड कर रहे हो यहां पे, अगर वो डेटा इसमें मिला, वो डेटा अगर इसमें मिला तब तो डेटा देगा, अगर नहीं मिलेगा तो नल आता है। तो आप यहां पे बोलो इफ फाइंड इक्वल टू नल, इक्वल टू नल हुआ तब आप उसमें मैसेज क्या दिखाओगे? किसी का म्यूट कर लो, एक बार यहां पे आएगा टेक्स्ट नॉट फाउंड। ओके, टेक्स्ट नॉट फाउंड, अगर मिला आप
आप चल जाओ एलसी में। तो देखो फाइंड नॉट को फाइंड मतलब नल रहेगा तो डेटा नहीं देगा, तो आप बोलोगे नॉट फाउंड। अब यहाँ पे मिला तो प्रिंट एफ, अभी मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, जो भी आपका इसके अंदर आएगा उसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो आप डाल दो परसेंट एस कॉमा फाइंड, बस है छोटा सा कोड किया, ये ध्यान देना str डॉट सी, यहाँ पे काम करो। तो यहाँ पे सिंपली क्या किया हूँ, एक एरे लिया हूँ, एरे में कुछ टेक्स्ट पास कर दिया हूँ, अब मैं इसमें से इन फाइंड कर रहा हूँ। और इन फाइंड करने के लिए क्या है, str मतलब स्ट्रिंग फाइंड कर। तो डेटा में से ए फाइंड करेगा, जो भी डेटा मिलेगा वो इसमें पास करेगा, ठीक है। इन दिया हूँ तो उसको स्टार्टिंग में जहाँ पे भी इन मिलेगा वो यहाँ से इसके अंदर पास कर देगा। तो अगर इसका आउटपुट देखोगे gcc str.c a.exe, तो क्या आया, इन द बग स्टॉप ही है, क्योंकि इन इसको यहाँ पे मिला। मान लो मैं यहाँ पे पास कर दिया कॉमा, तो कॉमा देखो यहाँ पे है, ओके। तो डेटा आपको वहां से देगा वो a.exe, ओके। और किस पोजीशन पे मिला, अगर मान लो ए निकालना है किस पोजीशन मिला, जैसे मान लो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे मिला, आप वो भी निकाल सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो फाइंड है इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे प्रिंट एफ, यहाँ पे मैं लाइन चेंज कर रहा हूँ, प्रिंट एफ यहाँ पे पोजीशन देता हूँ, किस पोजीशन पे आया, पोजीशन क्या है इसका, परसेंट एल डी, एल डी मतलब लॉन्ग इंटीजर है। यहाँ पे आपका आएगा फाइंड माइनस डेटा, फाइंड माइनस डेटा, चेक करो एक बार cls a.exe। तो देखो इस पोजीशन नंबर 7 पे आया है, और वहीं पे अगर मैं इज द पास करता हूँ, द तो द कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, इसका जो यहाँ पे इंडेक्स होगा वो वहाँ पे देगा a.exe। देख लो पोजीशन नंबर 12 पे आया है, ओके। तो सिंपली जो str है खाली एक काम क्या करता है, ये खाली फाइंड करता है कि जो भी टेक्स्ट में पास कर रहा हूँ कहाँ पे है। यही सेम मतलब इसका भी जो नोटपैड बना है इसके अंदर भी यही लॉजिक है। अगर मान लो यहाँ पे मैं द फाइंड किया तो द के पास लेके जाएगा मुझे, ओके। द यहाँ पे वो लेके जा रहा है। तो ऐसे सिमिलरली सी में भी ये फंक्शन है जिसके आप फाइंड कर सकते हो, बट ये किसके लिए था, मोर देन वन कैरेक्टर के लिए। जहाँ पे सिंगल कैरेक्टर आएगा उसके लिए क्या होता है, str chr। तो इसमें भी अगर मैं कमेंट करता हूँ तो इसी के अंदर chr.find str chr, ये किसके लिए होगा, मान लो डेटा में से मुझे फाइंड करना है टी, बस ये सिंगल कोट में आएगा, क्या पास करना है टी कहाँ पे है, टी यहाँ पे है, तो ये आपका आउटपुट देगा। तो दोनों बस इतना ही डिफरेंस है, एक आपका मोर देन वन के लिए होता है, एक आपका इसके लिए होता है। तो देखो यहाँ से आया, अगर मान लो मैं पास कर दिया सी, तो सी देखो कहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो डेटा यहाँ से देगा a.exe, देखो यहाँ से आया। क्लियर है दोनों फंक्शंस सबको, str chr क्या कर रहा है, str क्या कर रहा है। यस सर, ठीक है। तो ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करो, इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा तो हूँ मैं यहाँ पे, ओके। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट था अपना, फाइल्स करके। अच्छा सिंपली सिंपल एग्जांपल लो, अगर मान लो आपको कोई भी फाइल में राइट करना है तो आप सिंपली क्या करते हो, मान लो एक फोल्डर है तो अपने फोल्डर में गया, कोई भी फाइल्स रहेगा उस फाइल्स को आप ओपन करोगे। एग्जाम्पल ले लो, मैं एक नोटपैड फाइल बना रहा हूँ यहाँ पे txt टेस्ट करके, ठीक है, ये अपना txt फाइल है। अगर मुझे इसमें लिखना है तो मैं क्या करूँगा, पहले फाइल के पास जाऊँगा कि मेरा फाइल कहाँ पे है, मेरा फाइल डेस्कटॉप पे है, फिर फाइल को आप ओपन करोगे, उसके बाद इसमें कुछ टाइप करोगे, उसको सेव करोगे और उसको क्लोज कर दोगे। तो मतलब सिंपली फाइल के पास जाओगे, फाइल को ओपन करोगे, फाइल में जो भी लिखना होगा लिखोगे, सेव करोगे, क्लोज कर दोगे। यही सेम काम आपका कोड के अंदर भी है। देखो यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, पहले एक वेरिएबल बना लो, उसके बाद फाइल को ओपन करो। तो फाइल को ओपन करोगे तो उसका फाइल का नाम देना पड़ेगा और उसको बताना पड़ता है कि आप फाइल राइट करने के लिए ओपन कर रहे हो कि फाइल रीड करने के लिए ओपन कर रहे हो।
अगर राइट करने के लिए ओपन कर रहे हो तो आपको डब्ल्यू लिखना पड़ेगा यहाँ पे, रीड करने के लिए दोगे तो यहाँ पे आर लिखना पड़ता है। तो फिलहाल अभी आज हम लोग खाली राइट वाला देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू है। तो जब पहला दूसरा स्टेप क्या था, फाइल आपने ओपन किया, ये चेक करता है कि अगर फाइल इसको नहीं मिला तो नल आता है। जैसे यहाँ पे हम लोग टेस्ट किए थे ना, अगर डेटा नहीं मिलता तो नल आता है, सिमिलरली यहाँ पे भी है, अगर फाइल इसको नहीं मिला तो इसमें नल मिलेगा। तो ये चेक करता है फाइल इक्वल टू नल, तो बोल दो फाइल कुड नॉट बी ओपन। अगर नल नहीं मिला तो आगे आएगा। दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप मैं इसमें लिख रहा हूँ, देखो जो प्रिंट एफ होता है यहाँ पे, ये प्रिंट एफ फाइल के अंदर लिखने के लिए एफ प्रिंट एफ होता है, एफ प्रिंट एफ। तो यहाँ पे आएगा फाइल का वेरिएबल का नाम, क्या लिखना है स्ट्रिंग लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पास कर दो, ये पूरा डेटा आपको इसके अंदर पास कर देगा। और ये लिंक किससे है, ये लिंक है इस फाइल से, ओके। तो इसमें राइट कर देगा, उसके बाद फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इसमें भी सेम वही है, फाइल को ओपन करना, फाइल में लिखना और फाइल में क्लोज करना, ठीक है। एक बनाते एग्जांपल समझ में आएगा आपको। यहाँ पे has include studio.h, हाँ इसके लिए कोई लाइब्रेरी नहीं है, इसी के अंदर भी studio.h के अंदर ही है, ठीक है। provide main यहाँ पे हो गया, इसको सेव करो, files.c यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। स्टेप नंबर वन में आपको दो चीज़ करना है, एक ऑब्जेक्ट बनानी है और फाइल को ओपन करनी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, फाइल पॉइंटर जो भी नाम दो, मैं दे दिया फाइल करके, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, फाइल ए। तो जैसे डेटा टाइप बनाते हो यहाँ पे ना, कैरेक्टर बनाते हो, इंटीजर बनाते हो ऐसा, तो इसके लिए फाइल के लिए आपका यहाँ पे क्या है, फाइल है। तो इस नाम का आपका ऑब्जेक्ट बना। दूसरा स्टेप क्या था आपका, स्टेप नंबर टू, ओपन द फाइल के लिए क्या है आपका, ठीक है, ये आपका फाइल का नाम है, यहाँ पास करो। तो इसके लिए फंक्शंस क्या यूज होता है, एफ ओपन करके। तो फंक्शन क्या यूज हुआ आपका यहाँ पे, एफ ओपन। इसके अंदर दो पैरामीटर आएगा, पहला पैरामीटर आएगा फाइल का नाम, दूसरा पैरामीटर आएगा मोड। मोड मतलब आपका रीड है कि राइट है। तो फाइल के अंदर क्या गया, एफ ओपन फाइल का नाम और डब्ल्यू, यहां पे दो इफ फाइल इक्वल टू नल। अगर वो नल है तो क्या बोलोगे, प्रिंट एफ फाइल आपका नहीं मिला, ठीक है। अगर फाइल मिला, अगर इसमें नहीं गया, सिंपल सी बात आगे आएगा, अगर इसमें गया तो यहां से आप रिटर्न कर दो, नीचे आने ही मत दो, ठीक है, रिटर्न कर दो। एक बार चेक करो पहले क्या आता है, इस नाम का फाइल देखो आपके पास है नहीं, ये हाँ ये फाइल कहाँ पे ढूंढेगा, ये भी पॉइंट है। ये फाइल्स डॉट सी जो फाइल है कहाँ पे सेव है, ये बग स्टॉप बीयर के अंदर, लेक्चर के अंदर, सी के अंदर, फाइल के अंदर सेव है। मतलब ये फाइल जो मेरा सेव है ना, यहाँ पे सेव है, देखो इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, यहाँ पे सेव है। तो यहाँ पे देखो मैंने दिया फाइल्स डॉट सी, और यहाँ पे जो नाम दिया हूँ एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी दिया हूँ। एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी यहाँ पे कहीं है भी नहीं, डी है, डी के बाद एफ है, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी नहीं है, देखो एग्जाम्पल वन डॉट सी है। तो इसको फाइल देखो मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे आओ, इसको बोलो जी सी सी फाइल डॉट सी ए डॉट एफ सी। एक मिनट रिटर्न मत हटाओ, यहाँ पे फाइल तो बना तो नहीं दिया यहाँ पे, एक मिनट, नहीं इसने बना दिया फाइल देखो, ठीक है, इसलिए इसको मिल गया, ये ऑटोमेटिक फाइल बना दिया यहाँ पे। अब एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी मिला तो यहाँ पे काम करो, दूसरा तीसरा लाइन क्या था यहाँ पे, इसमें लिखना है अभी, तो एफ प्रिंट डॉट एफ है, देखो यहाँ पे ये आपका वेरिएबल है बस, ठीक है। तो लिखने के लिए क्या आपका स्टेप नंबर थ्री, एफ प्रिंट एफ, जो नॉर्मल प्रिंट एफ होता है उसी में खाली उसने एफ कंबाइन किया है, ठीक है। तो फाइल के अंदर लिखना है
परसेंट एस होता है और क्या लिखना है, और इसके बाद एफ क्लोज, फाइल को क्लोज कर दो, जो भी आपका ऑब्जेक्ट का नाम है। ये चार स्टेप है। तो देखो अभी इसके अंदर जाओगे, इसके अंदर कुछ डेटा है नहीं, ठीक है, लेकिन जब प्रोग्राम को रन करोगे ए डॉट एक्सी, ए डॉट एक्सी सॉरी, हाँ हो गया ना। अब इसमें ओपन करो, देखो यहाँ पे क्या आ गया, वेलकम इन बग स्टॉप ईयर, मतलब जो भी आप यहाँ पे पास कर रहे हो वो यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर ये चाहिए आपको आप खुद टाइप करो, तो सिंपली क्या कर लो, एक एरे बना लो डेटा करके, ओके, और इसमें आप रन टाइम पे डाल दो। जैसे मान लो प्रिंट एफ प्लीज इंटर द टेक्स्ट, सो इसमें क्या हो जाएगा आपका स्कैन एफ, यहाँ पे आएगा परसेंट एस, यहाँ पे आएगा डेटा, और ये डेटा यहाँ पास कर दो। तो जो भी आप इंटर करोगे आपका वही यहाँ पे सेव होगा। सो क्लोज करो, कुछ सेव करो, रन करो, ओके, ए डॉट एक्सी, दिस इज सिंपल एग्जाम्पल ऑफ फाइल्स, ठीक है। यहाँ पे आओ, वो फाइल ओपन करो, यहाँ पे अच्छा स्पेस डाल दिया ना, हाँ देखो अभी राइट में क्या होता है ना, अगर स्पेस आया तो उसका एक अलग तरीका है, इसमें उसको रीराइट करना पड़ता है, तो मतलब अगर आप यहाँ पे स्पेस दोगे तो लेगा नहीं फिर, तो काम करो अभी स्पेस का मत पास करो, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे तो आपको ये डेटा मिलेगा, ये वाला आपको नेक्स्ट में दिखाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें और भी वर्जन होते हैं, इसमें आपका स्पेस हुआ, नेक्स्ट लाइन हुआ, तो वो सब ए इग्नोर करता है ऑटोमेटिक, ओके, तो वो इग्नोर को हैंडल करने के लिए इसमें वाइल लूप लगानी पड़ेगी, तब आपका ये मैनेज होगा। बट इसमें जो स्टेप्स है वो स्टेप्स मैंने याद रखो, इसमें चार स्टेप्स है, ओके, स्टेप वन आप ऑब्जेक्ट बनाओ और फाइल को ओपन करो, ओके, एंड स्टेप टू सॉरी स्टेप वन ऑब्जेक्ट बनाओ, स्टेप टू फाइल को ओपन करो, स्टेप थ्री जो भी लिखना है उसके अंदर लिखो, स्टेप अंदर फाइल को क्लोज कर दो, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल, मतलब कोड बहुत सिंपल है, तीन फंक्शंस है, एफ ओपन, एफ प्रिंट एफ और एफ क्लोज, ठीक है।